हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि हमने गदर 2 के एक दो ट्रेलर पे रिएक्शन देखा था पाकिस्तानियों का, तो आज भी हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देने वाले हैं। तो किस तरह का रिएक्शन देंगे, वो गदर 2 का जो रिव्यू आया, लोग उसके ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं गदर 2 का, तो उसी के ऊपर ही आज की वीडियो होने वाली। तो इनके चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाते हैं और इन्हें काफ़ी सारी वीडियो पर रिएक्शन देते हैं। तो चलो वीडियो को हम देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में बात करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम बशर। तो गदर 2 मूवी आज आ गई और मैं कहता हूँ थिएटर फाड़ दिए, इतने ज्यादा तबाही मचा दी है भाई, तबाही बिल्कुल फाड़ दिया भाई, बिल्कुल फाड़ दिया है। तो बिना किस देरी के गदर 2 का ब्लॉकबस्टर हो रही है और उसका रिव्यू लेकर आए। शुरू करो निकलते हुए लोगों ने क्या रिव्यू दिया, देखेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो शुरू करो डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट भाई, गदर 2 देख के आ रहे हो, कैसी लगी? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मतलब गदर 2 ने गदर 1 22 साल जो पहले इमोशन था उसको जगा दिया। ये होती है मूवी, जो होता है ना दोबारा, जो हेडपंप उतारा सनी पाजी ने, गूस बंप आ गया। मतलब की है एक लगता है बैट पाकिस्तान जाते हैं तो कैसा लगा? इस बार तो हथौड़ा था, पर इस बार तो हेडपंप डाला हुआ उन्होंने, बवाल, क्योंकि मेन वही था ना। लेकिन गदर 2 गदर 2 रहेगा और गदर की फ्रेंचाइजी गदर ही रहेगी। मतलब ओएमजी भी पाजी कैसे तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। अच्छा, ओ माय गॉड भी रिलीज हुई अक्षय कुमार की शायद, करें पर हमें मजा नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सकीना सकीना अब इस बार तो दामाद बन के गए हैं पाकिस्तान का, और मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप खुद ही देखो मूवी, आपको खुद ही पता चलेगा, स्पॉइलर बिल्कुल नहीं। गदर 1 देखी थी इसीलिए तो मैं गदर 2 देखने आया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेरे भाई। तो लेकिन गदर 2 ने गदर मचाया या गदर 1 ने ही गदर मचाया? देखिए गदर 1 की अपनी एक अलग भूमिका है, जैसे हम KGF चैप्टर 2 को कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे ही गदर 1 और गदर 2 को कंपेयर नहीं कर सकते। ओवरऑल मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद। सनी पाजी हिंदुस्तान तो हमेशा से जिंदाबाद है भाई, देखने में मजा ना है तो डायलॉग हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, दोबारा देखना आएंगे। मैं तो टीवी पे बार बार आया, बार बार देखूंगा। और ठीक है भाई, ओएमजी 2 हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, फिर भी गदर 2 देखने आऊंगा। 10 बार देखना आएंगे? 10 बार देखूंगा, 11 बार देखूंगा। आउट ऑफ 5? अरे 10, 5 से कुछ ज्यादा होना तो वो लीजिए, अरे चलिए आप 11 ले लीजिए। IMDb भी इतनी रेटिंग नहीं दे पाएगा जितनी मैं दे दूंगा इसको, 12। ओके थैंक यू सर। हाँ, अच्छी अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा था, स्टोरी लाइन भी अच्छा था, बहुत अच्छी स्टोरी थी, रियल स्टोरी बेस्ड थी, तो अच्छी मूवी थी। सॉरी, 4.5। बहुत अच्छी लगी मूवी, स्टोरी अच्छी थी, ये तो काफी अच्छी मूवी है, किस तरीके से सारी चीजें होती है दिखाया गया अच्छे से। तो क्या कहेंगे लोगों से, अपील करेंगे आए देखने को? बिल्कुल आना चाहिए उन्हें, 5 में से 5, एकदम शानदार। क्या अच्छा लगा, स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी, बिल्कुल रियलिटी दिखाई गई है, देखने आना चाहिए लोग, बिल्कुल देखना चाहिए। आपको कैसी लगी स्टोरी? बहुत अच्छी लगी, शानदार। कितने सर 5 में से? पूरे 5 भाई, बढ़िया लगा। कितने स्टार 5 में से? भाई 10 में से 11 स्टार, बहुत बढ़िया। 10 में से 11, आदमी को समझने की जरूरत है इस पे। स्टोरी आपको सही लगी? बहुत बढ़िया। कितने स्टार 5 में से? 5, बहुत बहुत अच्छी थी, अच्छी थी। 5 में से कितने स्टार? 2। बहुत अच्छी लगे, कितने स्टार देंगे 5 में से? 4.5। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अच्छी इसलिए लगी कि मैं पिछले काफ़ी अर्से से फिल्म रिव्यू ही करता रहा हूँ, 40 साल हो गए मुझे लगभग फिल्मों से जुड़े हुए। इस फिल्म का सबसे बड़ा जो मजबूत पक्ष है, मुझे लगता है ये फिल्म जो है मस्ट वॉच है। एक बार जो जो कहते हैं अच्छी फिल्मों को देखने के शौकीन हैं, वो लोग दर्शकों की क्लास इस फिल्म को देखेंगे। मैं इसको 4 स्टार कन्फर्म दूंगा सर। स्टार देंगे 5 में? 5 out of 5, अच्छी लगी मूवी। कितने स्टार देंगे 5 में? 4। कितने स्टार देंगे 5 में? 5 में से 5। बहुत बढ़िया बनाई है, मेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, और कहानी कहने की कहा अंदाज भी ठीक ठाक है। 3.5 जाएगा, अच्छी लगी। 5 में 3 जा रहा है, 5 में 3। बहुत बहुत अच्छी मूवी लगी है, ग्रिपिंग मूवी लगी है, सेंसिबल मूवी लगी है, इट्स अ गुड स्टोरी। कितने सर 5 में? 3.5 out of 5। बहुत बढ़िया लगी सर। स्टार देंगे 5 में? 4.5। सर फिल्म अच्छी है। कितने स्टार सर 5 में? 5 में से 4। कितने स्टार 5 में? 5 में से 4 स्टार्स। लग रहा है सर चलेगी मूवी? हाँ चल जाएगी। लोगों को क्या कहेंगे, थिएटर पे देख पर देखने आना चाहिए? People should come to the theater. Theater में ही मजा आएगा। बिल्कुल आएंगे देखने के लिए यार, क्या नहीं जरूरत है। घर में मेरी तरफ पॉपकॉर्न लेके इधर-उधर होते रहेंगे। So everybody should come to the theater. कितने स्टार देंगे मैम सर 5 में? I think 3. Out of 5. 3 stars. पूरी तरह से। कितने स्टार देंगे सर 5 में? 2 स्टार। एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग कैसी सर एक्टर्स की?
देखिए एक्टिंग बहुत बढ़िया है तो सारे देंगे पाँच में थ्री फिर जा रहे हैं इट्स इंटरवल एंड आई एम गोइंग होम आई डोंट हैव दिस पेशेंस टू एक्सेप्ट द सेकेंड हाफ ऐसा कोई सर पैर नहीं है कहानी का गाने आ रहे हैं गाने जा रहे हैं ओ भाई साहब चार पांच गाने देख लिए हैं किसी का कोई सेंस नहीं है एक्टिंग की बात करें सर एक्ट्रेस की एक्टिंग कैसी है भाई इसको बिगाड़ लगी एक्चुअली स्क्रिप्ट ही इतनी ख़राब है कि एक्ट्रेस की एक्टिंग का कुछ इतना तात्पर्य नज़र नहीं आ रहा सर पाँच वन स्टार सर पाँच बहुत अच्छा था बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कितने स्टार पाँच हाँ जी कितने स्टार देंगे पाँच फाइव आउट ऑफ फाइव बहुत अच्छी मूवी है एकदम देखना चाहिए बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी बहुत बेहतरीन बढ़िया गुड बढ़िया लगी अच्छी लगी बहुत अच्छी अमेजिंग मस्ट वॉच सच्चाई दिखाई है अच्छी लगी है बहुत अच्छी मूवी और ऐसी और मूवीज बननी चाहिए अच्छी है फोर बहुत अच्छी बहुत अच्छा है सबको देखना चाहिए और बढ़िया मूवी है एकदम बढ़िया देखनी चाहिए हर इंडियन को देखनी चाहिए मूवी बहुत अच्छी थी नहीं बट मूवी अच्छी थी यस सर अच्छी लगी बहुत बढ़िया लगी बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए वेरी नाइस बहुत अच्छी सबको स्टोरी बहुत अच्छी है मतलब कैसे समझाऊं पर देखनी चाहिए बहुत बढ़िया मूवी बल्कि मैं मूवी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है मुझे तो बहुत अच्छी लगी बिल्कुल आना चाहिए एक बार नहीं चार बार देख के आओ समझो पर मैं ही समझ में आ गया जिन्हें नहीं समझ में आ रहा उन्हें डबल दिखाओ और ये टैक्स फ्री कराओ ताकि और से ज्यादा लोग आए फाइव फाइव पूरी पूरी स्टार नहीं फोर फोर क्यों बहुत बढ़िया भैया इट्स वाज वेरी अमेजिंग डेफिनेटली हाँ जी बिल्कुल तो यार ये था सारा सीन मतलब देखा जाए तो मोस्टली हर किसी को मूवी हद से ज्यादा पसंद आई है मतलब हर एक को पसंद भी आ रही है सब कुछ तकरीबन एक फाइव को छोड़कर सबने छोड़कर लगभग सबने फाइव फोर किया मतलब फाइव पॉइंट में से फाइव या फोर मतलब फोर फाइव मतलब ज्यादातर फोर से ऊपर थे पाँच ज्यादा थे और उसके बाद जो फोर ज्यादा थे तो मतलब हर कोई कह रहा रिकमेंड भी आगे कर रहा है देखनी चाहिए बहुत ही कमाल मूवी एक का दुका बंदा भी पता है क्या वो मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था वो पहले जो गदर थी कहते हैं ना उसमें हैंडपंप उखाड़ता है ना तो वो सारे इनको मारने आ रहे होते हैं कहते हैं जब दूसरी है ये हैंडपंप जब उखाड़ते हैं ना इसमें लोग भाग रहे होते हैं फ्रेंड्स अमेजिंग वीडियो थी तो गदर टू का तो हिट होना बनता ही था उसका तो फ्लॉप होने का मतलब ही नहीं बनता लोग इतने सालों से वेट कर रहे थे गदर टू का तो गदर टू का तो बन नहीं था उसे पूछना ही बेकार है कि रिव्यू लेना ही बेकार है कि कैसी लगी कैसी नहीं 100% अच्छी लगी होगी क्योंकि काफ़ी सालों से ना तीन जब से कोरोना आया उसके बाद से अच्छी मूवीज बनना ही बंद हो गई बॉलीवुड को अच्छी मूवी बनाई नहीं आया बहुत ही कम मूवीज हुए जो हिट गई मुश्किल से चार पाँच मूवी हिट गई होगी वरना सारी मूवी फ्लॉप जा रही है और लोग ना ज़्यादा मूवी देखना छोड़ ही दिया ज़्यादा वेब सीरीज वगैरह देखते हैं थिएटर की तरफ आना ही बंद कर दिया क्योंकि बॉलीवुड वाले अच्छी मूवीज बना ही नहीं रहे बड़ी काफ़ी दिनों के बाद ये अच्छी मूवी आई तो लोग आना बनता ही था लोग इन्जॉय करना चाह रहे थे तो इसका तो मतलब ही नहीं कि पिक्चर फ्लॉप हो जाए ये तो ऑलरेडी हिट पिक्चर रही तो इसका रिव्यू लेना बेकार है कैसी लगी कैसी नहीं ये तो अच्छी लगनी थी तो आई होप आपको भी वीडियो पसंद आई होगी और आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो में आपके लिए और लाऊं तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपने गदर मूवी देखी है या नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको हिट लगी या कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इतना बहुत सारा ध्यान रखिए बाय बाय।